प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, कुबेर देवता की जय, लक्ष्मी माता की जय, गणपति भगवान की जय, रिद्धि सिद्धि मैया की जय। गुरु भाई बहना, आज मैं धनतेरस की कथा सुनाने जा रही हूं। धनतेरस की कथा धनतेरस के दिन अवश्य सुनना चाहिए, और धनतेरस से पहले सुनते हैं तो और अच्छी की बात है, पूरा भर साल भर पूरा सुनते हैं तो और अच्छी की बात है। तो एक राजा थे, बड़े प्रतापी राजा थे, बड़े ज्ञानी राजा थे, और उनका राज बहुत बड़ा था। राजा साहब प्रतिदिन शिकार करने जाते थे और शिकार करके घर लौटते थे। उनका एक भी मारा हुआ तीर से कमान खाली नहीं जाता था, शिकार गिर जाता था शिकार करके, और राजा आते थे। तो धनतेरस के दिन राजा साहब शिकार करने गए, शिकार करने गए, और शिकार करते करते उनका एक भी शिकार नहीं मिला। शाम हो गया, और जब शाम हो गया तो राजा मन ही मन सोचते हैं कि आज जो पहला दिन है मेरा, कि आज मेरा शिकार नहीं मिला और मैं खाली हाथ घर वापस जाकर क्या करेंगे, अब रात में पूरा कहीं बिता लेंगे और सवेरा शिकार लेकर मुझे जाना है। वो एक राजा के पास चले गए जिनका घर में एक पुत्र जन्म लिया था, और बड़े घर में बधाइयां बज रहा था, शहनाइयां बज रहा था, नाच गा रहे थे लोग, पूरा खुश थे। और उसी खुशी के मौके पर ये राजा चले गए, उसी दिन उनका पुत्र जन्म लिया था। और जब राजा गए तो उनसे बोले कि हे राजा नाथ, मेरे घर आ ही गए हैं तो मेरा पुत्र के छठी तक आप रह जाइए, क्योंकि आप पहली बार मेरे घर पधारे हैं और मेरा पुत्र का तो छठी है, तो आप मेरे पुत्र के छठी में रह जाइए। गुरु भाई बहना, ये राजा जो शिकार करने गए थे, राजा देवेंद्र रह गए उनके कि हाँ, और पूरी रात बिता लिए। छठी के दिन बड़े राजा उत्सव से अपना छठियारी बेटा का किए, बड़े धूमधाम से पूरा गांव नगर का लोग का भोजन पर बुलाए, और पूरा नगर का लोग भोजन करने आए, और पूरा नगर का लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे, गा रहे थे, बजा रहे थे। उसी समय देवी प्रकट होकर एक बुढ़िया के रूप धारण करके और अचानक राजा के आंगन में कहने लगे, हे राजन, जिस बच्चे के छठियारी के दिन इतना धूमधाम से नाच गा रहे हो, मस्ती कर रहे हो, उस बच्चे का विवाह के दिन सिर्फ चौथे दिन मृत्यु हो जाएगा, और इसका कोई मृत्यु का टालने वाला नहीं है। इतना बात जब राजा देवेंद्र सुने तो कहने लगे, ऐसा हो नहीं सकता, मैं तो बड़े राजा हूं और मेरा राज इतना बड़ा, मैं तो दानी राजा हूं और प्रतापी राजा हूं, साहसी राजा हूं, मैं तो कितने को शिकार करके प्रतिदिन घर ले जाता हूं, और क्या आपका पुत्र का हम मरने देंगे, कदापि नहीं। हे राजन, इसका चिंता आप बिल्कुल ना करें, और आपका पुत्र का बचाने का मेरा भार रहा। गुरु भाई बहना, राजा साहब ने क्या किए कि जिस घर में राजा का रहना सहना था उस घर से अलग करके और एक सुंदर सा महल बनवाए देवेंद्र राजा उनके बेटे के लिए, और राजा रानी को दोनों को बोले कि आप इसी घर में आप रहिए जिसमें एक चिट्ठी भी प्रवेश नहीं कर पाए, सिर्फ पूरा महल का एक ही
द्वार था और कोई खिड़की नहीं, कोई आने जाने का कोई संदेशा नहीं, कुछ भी नहीं। गुरु भाई बहना, राजा बोले पूरा दिन पूरा रात तो द्वार बंद रहेगा, कैसे काल प्रवेश कर जाएंगे और कैसे बच्चे का जीवन लेकर चले जाएंगे, कदापि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। गुरु भाई बहना, होनी का कौन मिटता, होनी कोई नहीं टाल सकता है, जो ब्रह्मा जी अंक में मार देते हैं वो तो विष्णु भी नहीं काटते हैं, तो कौन टाल सकता है। विधाता जो लिख देते हैं उनका कलम का लिखा मिटता नहीं है। गुरु भाई बहना, धन तो मेहनत से कमा लेते हैं लेकिन जीवन के लिए मनुष्य कुछ नहीं कर पाते हैं, समय और कुसमय हाथ मलते ही रह जाते हैं। उसी तरह समय बीतता गया, राजा का बेटा बड़ा होने लगा। ये राजा देवेंद्र अपना घर आ गए और अपना घर में रहने लगे। उनका बेटा बड़ा होने लगा तो जाकर बोले, देवेंद्र आपका बेटा 12 वर्ष का हो गया है, हंसी खुशी आप इसे विवाह कर दीजिए। राजा थोड़ा सा भी नहीं हिचकिचाए और विवाह के लिए तैयार हो गए और बोले, हाँ विवाह करेंगे, अवश्य करेंगे अपना बेटा का विवाह। विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विवाह की तैयारी कर दिए। विवाह सेट हो गया, दिन तारीख पक्की हो गई और विवाह राजा का बेटा का हो गया। बारात लौट आया, कन्या घर आ गई, दुल्हनिया घर आ गई। चौथा दिन होते और राजा का बेटा का धर्मराज जी दूत भेज दिए। गुरु भाई बहना, धनतेरस के दिन धर्मराज जी का भी पूजा होती है, यम देवता का पूजा की जाती है। बोले कि पूरा ये जो धर्मराज जी बोले अपने दूत को कि उसका प्राण को ले आओ। दूत वहां से चल दिया और राजा को पुत्र को प्राण लेकर हरण करके, दोनों पति पत्नी सोए हुए थे, दूत का हृदय कांपने लगा, कितना सुंदर जोड़ी है, कितना अच्छा लग रहा है, मांग में सिंदूर सजा है, थोड़ी देर के लिए सिंदूर है पर इसका सिंदूर तो धुल जाएगा, चुंदरी उतर जाएगा, आहा कलेजा फट रहा है, मैं तो दूत हूं पर इसका प्राण छोड़ भी नहीं सकते, यदि नहीं हरेंगे इसका प्राण तो यमराज जी मुझसे गुस्सा हो जाएंगे और स्वयं आकर धर्मराज जी लेकर चले जाएंगे इसका प्राण को। यमदूत का आंखों का आंसू टपकने लगा, हृदय फाटने लगा, फिर भी उसका प्राण हरण कर लिए और प्राण हरण करके वहां से चल दिए। पूरा नगर में हाहाकार मच गया, राजा का बेटा का मृत्यु हो गया, राजा का बेटा का मृत्यु हो गया। राजा रानी रोते रोते बुरा हाल कर लिए। जो नई दुल्हनिया आई थी उसका तो होश से बेहोश हो रहा था, उसे तो पता नहीं कि वो मरती या बचती, वो तो माता पिता और उनकी पत्नी प्रजा सब रोने लगे, पूरा मातम छा गया, पूरा नगर उदास हो गया, पूरा राज में लोग आग उत्सुक से नदियां बहा दिए, लेकिन राजा का बेटा जीवित नहीं हुआ। विधि का विधान कौन मिटता, नगर का लोग बोले, राजा साहब जो होनी था वो हो गया, अब अपना बेटा का अग्नि संस्कार कर दीजिए। राजा साहब रोते पीटते हिम्मत बांध कर लोगों के साथ उनका अग्नि संस्कार कर दिए और ये धर्मराज जी के पास लेकर दूत लोग इनका जीवन को चला गया। धर्मराज जी दूत के आंखों में आंसू देख बोले, अरे बड़े आंसू गिरा रहे हो, क्या हुआ, इतना दुखी क्यों हो। दूत लोग बोला, महाराज मैं क्या बताऊं, मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा, आज मैं इनका प्राण हरा हूं लेकिन प्राण हर के लाता हूं तो 2, 4, 10, 20 रोते हैं, लेकिन इनके लिए तो पूरा नगर के लोग पूरा राज के लोग नदियां बहा रहे थे आंसू।
आंसुओं से। इनका रोल, इनका मृत्यु पे रोने के लिए लोग पीट पीट के रो रहे थे। हमें तो लाने का मर्जी नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करते, मुझे इनका जीवन लाना पड़ा। हे महाराज, हे धर्मराज जी, हे यमदेव, क्या ऐसा कोई व्रत नहीं जो अकाल मृत्यु नहीं होवे, लोग अकाल मृत्यु से बच पाए? धर्मराज जी कहते हैं, देखो सृष्टि का विधान का कोई बदल नहीं सकता, लेकिन ऐसे कर सकते हैं जिसमें अकाल मृत्यु कम होगा। धनतेरस के दिन यमदेव का पूजा करेंगे और दरवाजा के सामने यमदेव के नाम से एक दीपक जलाएंगे, और जितना दीपक दरवाजा पे जलेगा उतना ही उनका घर परिवार का ग्रह कटेगा और यमदेव दूर भागेंगे। यदि दीपक जलाएंगे और यमदेव का नाम से धनतेरस मनाएंगे, घर में खुशियां बना रहेगा, तो यमदेव प्रवेश नहीं करेंगे उनका घर में, अकाल मृत्यु नहीं होगा। इतना बात जब यमदूत सुने तो बोले, महाराज ये बात कौन बताएगा? यमराज बोले, धर्मराज जी ये बात तो मुझे पे स्वयं छोड़ दो, ये बात विष्णु जी से बताए। धर्मराज जी विष्णु जी को बुलाए, विष्णु लोग जाकर बोले, विष्णु जी देखे धर्मराज जी को तो कहते हैं कि बिना बुलाए आप विष्णु लोक में क्यों आए? बोले, महाराज आज के दिन हमें आना पड़ा और आपके कारण मैं आया हूं। बोले, ऐसा तो? हाँ, हे महाराज, मैं मृता भुवन में कुछ संदेशा पिठाना चाहता हूं। और कौन संदेशा पहुंचाएगा? विष्णु जी बोले, हाँ हाँ आप मुझे ही संदेशा दे दीजिए, हम संदेशा पिठाएंगे पूरा संसार में, हम संदेशा पहुंचाकर और उसे पूरा लोक को तैयार करेंगे, जो खुशी खुशी करेंगे। बोले कि ठीक है, धनतेरस के दिन, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन यदि लोग धनतेरस मनाएंगे, यमदेव के नाम से एक दीपक द्वार पे जलाएंगे या नाली के ओर या दक्षिण के ओर जलाएंगे, तो उनका घर में अकाल मृत्यु नहीं होगा और अकाल मृत्यु टल जाएगा। यदि ऐसा लोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। ए विष्णु जी थे, क्या किए कि धनमंत्री का रूप धारण कर लिए और धनमंत्री का रूप धारण करके मृता भुवन में आ गए और मृता भुवन में आकर और पूरे सबको बताए, मृता भुवन में घूम घूम के बताए कि भाई कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन आप लोग मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाए या तो नाली के ओर या तो दक्षिण के ओर, मुख आप एक दीपक जलाए ओ यमदेव के नाम से जलाएंगे तो अकाल मृत्यु टल जाएगा, अकाल मृत्यु कम हो जाएगा, अकाल मृत्यु ना के बराबर हो जाएगा। लेकिन होनी और विधान कौन टालता है, और ऐसा करने से आपका भला होगा? विष्णु जी का बात पूरा नगर में सुने, पूरा संसार में सुने और मनुष्यों ने, जो भी व्यक्ति थे, सब धनतेरस का पर्व मनाने लगे। विष्णु जी बोले, उस दिन सोने या चांदी का गणपति खरीदे, गणपति का मूर्ति, लक्ष्मी का मूर्ति, तो घर में धन का प्रवेश भी होगा और घर में सुख शांति मिलेगा, घर में अच्छे अच्छे व्यवहार से सब मिलजुल कर रहेंगे तो घर में खुशियां बढ़ेगा। ऐसा कहके धनमंत्री के रूप धारण करके और विष्णु जी सबको बताएं और फिर अपना विष्णु लोग चले गए। उस दिन धनमंत्री के नाम से पूजा की जाती है और पूरे संसार में
लोग यमदेव के नाम से एक दीपक निकालते हैं और दीपक निकाल के और पूजा करने लगे उनका नाम से। और जहां तक के कि मुख्य द्वार पर अवश्य रखते हैं या तो दक्षिण के ओर कहीं भी रखते हैं और इसका नाम से जी दीपक निकाल कर पूजा करने लगे। जब विष्णु भगवान धर्मराज जी के पास से बात सुनाए तो विष्णु जी पूछे कि महाराज आप इस बात का कैसे करके ये सोचे मन में। तो कहते हैं धर्मराज जी क्या कहूं, आज दूतों ने आकर और मेरे सामने आया और आंसू गिराया। मैं तो यमराज हूं लेकिन मुझे भी दया आ जाता है। आज अकाल मृत्यु एक राजा के बेटा का हुआ और उसका पूरे परिवार रो रो के नदियां बहा दिया और पूरा प्रजा बुरा हाल कर लिया। ये देख मुझे रहा नहीं गया और मैं ये सूचना आपको दिया कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु टल जाएगा और अकाल मृत्यु कम होगा। हे विष्णु भगवान आप ऐसा कृपा कीजिए कि जो सारे लोग पूजा पाठ करे और खुश रहे। विष्णु भगवान बोले कि ये तो मुझे लक्ष्मी को बताना पड़ेगा और लक्ष्मी को हम कहेंगे तभी लक्ष्मी ये बात कर पाएंगे। विष्णु भगवान धर्मराज जी के पास से जाकर और विष्णु लोग जाकर अपने लक्ष्मी से बोले, हे लक्ष्मी आप स्वयं मृता भुवन में जाके और घर घर जाके बात कीजिए और लोगों से बताइए कि लक्ष्मी पूजा करके और आपका आवाहन करेगा और आप सुख शांति दे और सबके घर में प्रवेश करें। लक्ष्मी माता ने स्वयं कमल धारणी मृता भुवन में आकर और घर घर बताए और घर घर प्रवेश किए और घर घर अपना वास किए, घर घर में धन संपत्ति हो गया और लक्ष्मी का पूजा पूरा घर घर में मनाई जाती है। हर घर में लक्ष्मी का आवाहन होती है और लक्ष्मी का पूजा सब कोई करते हैं। गुरु भाई बहना लक्ष्मी का पूजा चाहे कितना कुछ हो जाए लेकिन करना मत भूलना चाहिए। दीपक जरूरी जलाना चाहिए चारों कोना और दीपक जला के घर में रोशनी फैलाना चाहिए जे कि घर में उसी बहाने लक्ष्मी माता प्रवेश करते हैं और स्थान धरते हैं और लक्ष्मी माता की वास होती है। घर में जब लक्ष्मी माता नहीं है तो दरिद्रा की वास हो जाती है और जब दरिद्रा की वास हो जाती है तो घर में कला किरकिरियाँ हर तरह के बीमारियाँ फैल जाती है और लक्ष्मी माता धीरे धीरे निकल जाते हैं। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता, जय कुबेर देवता, जय गणपति भगवान, जय विष्णु भगवान। गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु भगवान अवश्य लिखें। मैं फेसबुक पर भी हूँ और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय लक्ष्मी माता।